हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कमर्स वर्ल्ड। आज हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा कनेक्ट किए जाने वाले सेकंड एंड फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में क्या सिलेबस आएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और साथ ही साथ कोरोना के कारण किस सिलेबस की रिडक्शन या डिलीशन की गई है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास प्लस वन के बिजनेस स्टडी के सिलेबस के बारे में। आओ इसके ऊपर डिस्कस करें। हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम प्लस वन बिजनेस स्टडी का कवर किया जाएगा, उसमें यूनिट नंबर फोर्थ, यूनिट नंबर फाइव, सिक्स, सेवन, एट्थ और नाइन्थ और टेंथ यूनिट कवर की गई है। अब हम इन यूनिट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमारी जो फोर्थ यूनिट है वो है बिजनेस सर्विसेज। इसमें इंट्रोडक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज और वेयर हाउस सर्विसेज के लेसन कवर किए गए हैं। अब बात करते हैं कि किस लेसन में से कितने नंबर का पेपर आएगा। फर्स्टली हमारे पास जो इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन का लेसन है, उसमें से आपको दो क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो आपको दो नंबर का आएगा। टोटल चार नंबर का पेपर इस लेसन में से कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। इसमें से आपको एक नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। टोटल इस लेसन में से एक नंबर का पेपर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर हाउस सर्विसेज। वेयर हाउस सर्विसेज के लेसन में से आपको एक नंबर का क्वेश्चन एक आएगा और इसके साथ तीन नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल चार नंबर का पेपर इस लेसन में से कवर किया जाएगा। तो हमने देखा कि बिजनेस सर्विसेज के यूनिट में से आपको टोटल नौ नंबर का पेपर कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ यूनिट जो कि एमर्जिंग मॉडल ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है और इसमें ई बिजनेस एंड आउट सोर्सिंग ऑफ सर्विसेज के लेसन को शामिल किया गया है। इसमें से आपको एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे और दो नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल चार नंबर का पेपर इस यूनिट में से कवर किया जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इस यूनिट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस एथिक के लेसन को कवर किया गया है। इसमें से आपको एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे। टोटल दो नंबर का पेपर इस यूनिट में से कवर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है वो है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त के स्रोत। इसमें सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के लेसन को कवर किया गया है और इसमें से आपको एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे और दो नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ तीन नंबर का एक क्वेश्चन इस लेसन में से पूछा जाएगा। टोटल सात नंबर का पेपर इस यूनिट में से आएगा। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है स्मॉल बिजनेस और इसमें स्मॉल बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन के लेसन को कवर किया गया है और इसमें से आपको दो क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि टोटल चार नंबर का जो पेपर है वो इस यूनिट में से कवर किया जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड्स, होलसेल ट्रेड मीनिंग एंड सर्विसेज, रिटेल ट्रेड मीनिंग एंड टाइप्स को के लेसन को कवर किया गया है। अब बात करते हैं इनके एग्ज़ाम में पूछे जाने क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास जो फर्स्ट है होलसेल ट्रेड, इसमें से आपको एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और तीन नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल चार नंबर का जो पेपर है वो इस लेसन में से कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिटेल ट्रेड, इसमें से आपको
एक एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और तीन नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल चार नंबर का जो पेपर है वो रिटेल ट्रेड में से कवर किया जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट को कवर किया गया है। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट को के लेसन को कवर किया गया है। अब इनके मार्क्स की बात करें तो इस यूनिट में से इंटरनेशनल बिजनेस में से एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे और दो नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल चार नंबर का जो पेपर है वो इंटरनेशनल बिजनेस से पूछा जाएगा। और इसके साथ हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशन एंड एग्रीमेंट, इसमें से आपको एक एक नंबर के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चार नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट में से आपके आपका 10 नंबर का पेपर आएगा। तो हमने जाना कि बिजनेस स्टडी का जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा और किस लेसन में से कितने कितने नंबर का पेपर कवर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कोरोना के कारण इन यूनिट में से किस कंटेंट को डिलीट कर दिया गया है। फर्स्टली हमारे पास बिजनेस सर्विसेज की यूनिट आती है, उसमें से लाइफ मैरिड एंड फायर इंश्योरेंस को डिलीट कर दिया गया है। इसके साथ साथ पोस्टल सर्विसेज को भी डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास एमर्जिंग मॉडल ऑफ द बिजनेस, इसमें से आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, इसमें से बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले कंटेंट को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसमें से डिवेंचर एंड बॉन्ड्स के पार्ट को कवर कर दिया गया है, को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास स्मॉल बिजनेस, इसमें से किसी भी कंटेंट को डिलीट नहीं किया गया है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें से टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड, फिक्स्ड शॉप ट्रेड्स, रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड के सिलेबस को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें से इंपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया गया है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर को भी डिलीट कर दिया गया है। और नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड नेशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के पार्ट को भी सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में से डिलीट कर दिया गया है। तो हमने जाना कि जो मार्च में होने वाला बिजनेस स्टडी का फाइनल एग्ज़ाम है उसमें क्या सिलेबस आएगा और किस लेसन में से कितने नंबर का पेपर पूछा जाएगा। मुझे आशा है कि आप इसके अकॉर्डिंगली अपने पेपर की तैयारी करेंगे और अच्छे नंबरों के साथ पास हो पाओगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।